अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टडीज. दिस इज़ योर काउंट ऑन बुक, पेज नंबर 96. क्वेश्चन इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर्स. तो कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करो और इसके आंसर्स को ढूंढो. पहला है 5 मल्टीप्लाई 2. 5 2 ज़ा 10. 9 मल्टीप्लाई 2. 9 2 ज़ा 12. 6 6 मल्टीप्लाई 2. 6 2 ज़ा 12. 4 मल्टीप्लाई 2 8. 4 2 ज़ा 8. 8 मल्टीप्लाई 2 16. 8 2 ज़ा 16. 2 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल्स टू 4. 2 2 ज़ा 4. अब नेक्स्ट उसकी एक्टिविटी है, 2 children each hold 2 balls. 2 children हैं, उन्होंने 2 balls को पकड़ा हुआ है या होल्ड किया हुआ है. हाउ मैनी बॉल्स टुगेदर. सारी बॉल्स कितनी हुई. अब 2 balls, 2 तो बच्चे हैं, ठीक है, 2 children हैं. 2 ये आ गया और 2 ही उसने बॉल होल्ड्स की हुई हैं. 2 ये आ गई. अब 2 2 ज़ा कितना होता है, 4. नेक्स्ट है 3 girls have 2 sweets each. 3 लड़कियां हैं, वो 2 उन्होंने मिठाई पकड़ी हुई है या वो कुछ मीठा खा रही हैं. हाउ मैनी स्वीट्स ऑल टुगेदर. अब 3 गर्ल्स हैं, 3 ये आ गया और 2 स्वीट्स, तो 2 ये आ गया. बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर और छोटी नीचे. अब 3/2 यानी 3 multiplied 2 is equals to 6. देन 5 birds are on the tree. कितने birds 5. हाउ मैनी विंग्स ऑल टुगेदर. विंग्स कहते हैं पर को. किसको कहते हैं? पर को. अब चिड़िया के कितने पर होते हैं? 2 सारी चिड़ियों के. तो 2 2 पर्स, 2 एक चिड़िया के, फिर 2 और फिर 2. अब ये 2 कितने हो गए? 5. अब 5 multiplied 2 is equals to 10. देन 8 hens in a form. वो कह रहा है एक फॉर्म में 8 मुर्गियां हैं. हाउ मैनी फीट ऑल टुगेदर. उनके कितने पाँव हुए? अब 8 मुर्गियां हैं और उनके 2 2 पाँव सबके. तो 8 multiplied 8 is equals to 16. ये आज का हमारा क्वेश्चंस थे, या इनको आपने अपनी नेट कॉपी पे लिख लेना है और जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन आपने मुझे बताना, दिखाना है, सेंड करना है कि आपने इसको प्रिपेयर किया है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.